आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अपने अपमान से नाराज होकर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने दिया इस्तीफा, ली शिवसेना की सदस्यता। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को पड़ा थप्पड़, सभा के दौरान एक शख्स ने गुस्से में आकर मारा। साध्वी प्रज्ञा का विवादास्पद बयान, मैंने कहा था हेमंत करकरे तेरा सर्वनाश होगा और हो गया। बीजेपी उपाध्यक्ष शिवराज सिंह ने कमलनाथ से कहा, स्थितियां संभल नहीं रही तो काहे को चला रहे हैं सरकार। और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सियासी भगदड़, नेता छोड़ रहे हैं अजीत जोगी की पार्टी। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस को उस समय बड़ा झटका लगा जब कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने पार्टी से नाराज होकर इस्तीफा दिया है और इसके बाद शिवसेना ज्वाइन कर ली। प्रियंका ने ट्वीट पर लिखा है कि बड़े दुख की बात है कि कांग्रेस में मारपीट करने वाले बदमाशों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है बजाय उन लोगों के जो अपना खून पसीना बहाकर काम करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। प्रियंका ने ट्वीट कर अपने इस्तीफे की जानकारी दी। इसके कुछ समय बाद प्रियंका चतुर्वेदी ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के सामने शिवसेना ज्वाइन की है। प्रियंका ने कहा, मैं मुंबईकर हूं और हमेशा महिलाओं की लड़ाई लड़ती आ रही हूं। उन्होंने कहा, मुझे शिवसेना खुद के करीब लगी, इसीलिए मैंने शिवसेना ज्वाइन की है। मुझे पता है मुझ पर कई सवाल उठाए जाएंगे, लेकिन मैं इस सब के लिए तैयार हूँ। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। श्री उद्धव जी, आदित्य जी और सुभाष जी ने आज मुझे इतने सम्मान से पार्टी में जोड़ा है, परिवार के रूप में, परिवार के सदस्य में जोड़ा है, उसकी मैं बहुत आभारी हूँ। आपको मैं यहाँ पर बस ये कह सकती हूँ कि पार्टी ने मुझसे मैंने उनको बताया था जो मेरी तकलीफ थी और क्या मेरी पीड़ा थी इस मुद्दे को लेकर, और मैंने ये भी जाहिर किया था कि मुझे मेरी पीड़ा इस बात की है कि ये सब जानने के बावजूद, सस्पेंशन के बावजूद भी उनको रीइंस्टेट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मुझे फेल करता है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार और बदसलूकी से निराशा जाहिर की और कहा, पिछले दिनों जब वे यूपी के मथुरा में राफेल की डील को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ अभद्र व्यवहार कर हाथापाई की और पार्टी के अंदर धमकी भी दी, जिसके बाद कांग्रेस कमेटी ने कार्यकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही की, जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया। प्रियंका ने इस मामले पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि बहुत दुख की बात है कि पार्टी में मारपीट करने वाले, बदसलूकी करने वाले कार्यकर्ताओं को ज्यादा महत्व दिया जाता है बजाय उनके जो अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं। हमेशा भाजपा सरकार की आलोचना करने वाली कांग्रेस की राष्ट्र प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी अब बीजेपी के सहयोगी दल से ही जुड़ गई हैं। देखना होगा कि बीजेपी को लेकर उनका मिजाज अब क्या रहता है। दिल्ली में बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जूता फेंका गया था, तो गुजरात के बलदाना में जब कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल एक सभा को संबोधित कर रहे थे तो उसी समय एक शख्स मंच पर आया और उसने आते ही हार्दिक पटेल को थप्पड़ रसीद कर दिया। थप्पड़ मारने वाला शख्स कह रहा था कि तुमने 14 लोगों को मरवा दिया। गुजरात में चुनावी पारा चरम पर है और तीसरे चरण में यहां सभी 26 सीटों पर मतदान होना है। इस बीच एक बड़ी घटना हुई है, कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को एक शख्स ने थप्पड़ मार दिया है। घटना सुरेंद्र नगर के बलदाना की है। यहाँ हार्दिक पटेल एक चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे और जिस वक्त वे मंच से सभा को संबोधित कर रहे थे उसी वक्त एक शख्स मंच पर आया और उसने हार्दिक को थप्पड़ मार दिया। हार्दिक ने इसका विरोध भी किया और फिर उस शख्स को वहां से हटा दिया गया। घटना का वीडियो सामने आया जिसमें शख्स थप्पड़ मारकर यह कहते सुना जा सकता है कि तुमने 14 लोगों को मरवा दिया। माना जा रहा है कि यह पाटीदार आरक्षण को लेकर नाराज था। हार्दिक ने घटना के बाद भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो डरेंगे नहीं। तुम बता जानो छो के चुटनी खूब नजीक छ। भोपाल लोकसभा
लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के टिकट में हुई देरी के कारण प्रज्ञा ठाकुर को प्रचार प्रसार के लिए बहुत ही कम समय बचा है। ऐसे में रूठों को मनाना और हर क्षेत्र में प्रचार करना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर ने इसकी शुरुआत कर दी है। प्रज्ञा ठाकुर ने चर्चा में आने के लिए एक ऐसा बयान दे डाला है जिससे वो खुद विवादों में आ गई है और बीजेपी सकते में है। प्रज्ञा ने कहा कि हेमंत करकरे को मेरा श्राप लगा कि तेरा सर्वनाश होगा और उसकी सवा महीने में मौत हो गई। 1982 बैच के आईपीएस 26/11 के हीरो हेमंत करकरे को भारत सरकार ने मरणोपरांत अशोक चक्र से नवाजा था। हेमंत करकरे ने 26/11 के आतंकवादी हमले में कई मासूमों की जान बचाई थी और अपनी जान गंवा बैठे थे। इन्हीं हेमंत करकरे पर साध्वी प्रज्ञा ने विवादित बयान दे डाला और विपक्ष के निशाने पर आ गईं। प्रज्ञा ठाकुर ने बिताए अपने जेल के दिनों की दास्तान सुनाते हुए हेमंत करकरे पर निशाना साधा और कहा कि हेमंत करकरे ने मुझे गंदी और भद्दी गालियां दी, हेमंत करकरे ने मुझे पीटा। जिस दिन मैं गई थी उस दिन उसको सूतक लग गया और जिस दिन उसको आतंकवादियों ने मारा सवा महीने के बाद उसका सूतक खत्म हो गया। प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के साथ मंच पर सांसद आलोक संजर, महापौर आलोक शर्मा, पार्षद मनोज राठौर, पार्षद महेश मकवाना सहित उत्तर विधानसभा के समस्त कार्यकर्ता महिला पुरुष बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस बैठक में सभी कार्यकर्ता भगवा रंग में नजर आए, सभी ने भगवा रंग की पगड़ी पहनी हुई थी। इतनी यातनाएं दी, इतनी गंदी गालियां दी जो असहनीय थी मेरे लिए, और मेरे लिए नहीं किसी के भी लिए। मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा, ठीक सवा महीने में सूतक लगता है जब किसी की मृत्यु होती है या जन्म होता है तो सूतक लगता है। तो जिस दिन मैं गई थी उस दिन इसके सूतक लग गया था और ठीक सवा महीने में जिस दिन इसको आतंकवादियों ने मारा उस दिन सूतक का अंत हो गया। प्रज्ञा ठाकुर के शहीद हेमंत करकरे पर दिए विवादित बयान पर कांग्रेस ने साध्वी को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस की प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी शोभा ओझा ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा न सिर्फ हेमंत करकरे के परिवार से बल्कि शहीद हुए हर जवान के परिवार से माफी मांगे, साथ ही देश से भी माफी मांगे। साध्वी का दिया बयान निंदनीय है, यह शहीदों का अपमान है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता भूपेन्द्र गुप्ता ने साध्वी के श्राप वाली बात पर चुटकी लेते हुए कहा कि साध्वी को श्राप देना ही है तो पाकिस्तान को दे, पाकिस्तान का टंटा ही खत्म हो जाए, भोपाल को वरदान दे कि भोपाल का विकास हो। देखिए, एक शहीद के लिए अगर कोई इन शब्दों का इस्तेमाल करता है तो उससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। हेमंत करकरे जी इस देश के लिए शहीद हुए, आतंकवादियों के हाथ मारे गए, उनके लिए इस तरह से कहना उनका अपमान नहीं, ये देश का अपमान है, तमाम शहीदों का अपमान है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करी। प्रज्ञा ठाकुर जी को माफ़ी मांगनी चाहिए, हेमंत जी के परिवार से ही नहीं तमाम शहीद हुए लोगों के परिवारों से जिन्होंने जान कुर्बान करी इस देश के लिए। बयान निंदनीय है। हेमंत करकरे जी देश के लिए शहीद हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस बात का एहलाम है कि वो ईश्वर बन चुके हैं, वो लोगों को श्राप दे सकते हैं, सर्वनाश कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से वो वरदान भी दे सकते होंगे। अगर उनके अंदर ये चेतना है तो मेरा उनसे निवेदन है कि वो पाकिस्तान के सर्वनाश की कामना का श्राप दें ताकि पाकिस्तान का ये टंटा ख़त्म हो जाए, और जो है भोपाल के विकास का कि क्या का वरदान दें ताकि भोपाल में ये ओले पाले बढ़ना गिरना बंद हो जाएँ और यहाँ के किसान खुशहाल हो जाएँ। तो ये अपनी दैवी शक्तियाँ अगर ईश्वर ने दी हैं तो उनका इस तरह से उपयोग करें। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। माननीय श्री ठग मास्टर को समर्पित हमाओ ये गीत। काले धन के 15 लाख हाथों में ना आई रात, झूठी हो गई तुम्हारी बात, घर का फिर रहे बेरोजगार, जुमलों से हाँ की सरकार, कटो तुमने बंटा धार, अरे लबरा हो बातें बनाओ ना, ठग मास्टर देश बेच खाओ ना, ठग मास्टर देश बेच खाओ ना।
देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। लोगन के रोजगार नाम के नहीं, ऐसन ठग मास्टर कौनो काम के नहीं। वादा आपन तू पूर काहे नहीं कीने, साफ देश बाकेर तू घूर काहे नहीं कीने। ठग मास्टर ओ ठग मास्टर तू ठग मास्टर। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव के बाद से ही जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सियासी भगदड़ की स्थिति बनी हुई है। पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जाने वालों की लंबी कतार लगी हुई है। विधानसभा चुनाव के बाद से जो सिलसिला चल पड़ा है वह थमने का नाम ही नहीं ले रहा। कांग्रेस रणनीतिकारों के जवाब में भाजपा ने भी अब अपना दांव खेलना शुरू कर दिया है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से नेताओं और कार्यकर्ताओं का मोह भंग हो रहा है और इनके पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। तखतपुर में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की सभा थी और उनकी मौजूदगी में जकांश के राजेश सोनी और अजय देवांगन के साथ बड़ी संख्या में जकांश के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रवेश किया। अमित शाह ने केसरिया गमछा पहनाकर उनके प्रवेश की औपचारिक घोषणा की। विधानसभा चुनाव के बाद यह पहला अवसर है जब भाजपाई रणनीतिकारों ने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ मुख्य अजीत जोगी के घर में सेन लगाई हो। इसे संयोग ही कहा जाएगा कि जिस वक्त तखतपुर में जकांश के कार्यकर्ता भाजपा में प्रवेश कर रहे थे, उसी वक्त लिम्हा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में जोगी के बेहद करीबी व सिपा सालार अनिल टाह ने भी घर वापसी की। उनके अलावा दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस में प्रवेश किया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा, उनसे उनके कर्मचारी और राज्य की स्थिति नहीं संभल रही है तो वे सरकार क्यों चला रहे हैं, छोड़कर बाहर आ जाएं। बीजेपी उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कमलनाथ से सरकार नहीं चल रही है तो वो हमें दोष देते हैं। उनसे और उनके कार्यकर्ताओं से मध्य प्रदेश की स्थिति संभाली नहीं जा रही तो सरकार छोड़कर बाहर आ जाएं। देखिए, धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब रिलीजन थोड़ी है। धर्म का मतलब सब अच्छी बात है, सत्य अहिंसा अस्तेय परिग्रह, ये तो धर्म। सरकार काय को चला रहे हैं, उनके बाहर आ जाए। अगर षड्यंत्र संभल नहीं रहे ऐसी बातें करते हैं, काय के लिए बैठे हैं वहाँ? बीजेपी का षड्यंत्र सफल हो रहा है, स्थिति संभल नहीं रही, दोष बीजेपी को देते हैं। भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने इशारे इशारे में कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह पर तीखा हमला बोला और उन्हें विधर्मी बताया। साध्वी ने उनके बिटिया की उम्र की महिला से शादी पर भी सवाल उठाया और इसे अपराध बताया। भोपाल लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार प्रज्ञा सिंह ठाकुर की आंखों में उस समय आंसू छलक आए जब वे कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी। कार्यकर्ताओं के साथ पहली बैठक में साध्वी ने दिग्विजय पर बड़ा हमला करते हुए उन्हें विधर्मी करार दिया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने जेल में बिताए दिनों की याद करते हुए रो पड़ी। कार्यकर्ताओं की पहली बैठक में वे जेल में हुए उनके साथ सलूक की कहानी सुना रही थी। साध्वी ने भावुक होकर अपने साथ हुए अन्याय को कार्यकर्ताओं के सामने रखा और कहा, कस्टडी में मैं सिर्फ पिटती थी, लेकिन उन्हें देशभक्तों की ताकत क्या है ये मालूम नहीं था। 24 दिनों तक मैंने सिर्फ पानी पिया है, अन्न नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। बिना कुछ खाए सिर्फ पानी पीती थी, बिना कुछ खाए, बिना कुछ बोले और बिना सोए हुए सिर्फ पीटती थी और गालियां खाती थी। लेकिन उनको नहीं पता था कि देशभक्तों की ताकत क्या होती है, देशभक्तों में कितनी शक्ति होती है। विधर्मियों को क्या पता, वो तो रुपयों पे भी बिक जाते हैं।
साध्वी प्रज्ञा ने आरोप लगाया कि मालेगांव ब्लास्ट के आरोप में मुझे 15 दिनों तक गैर कानूनी रूप से हिरासत में रखा गया, बिना पूछताछ किए ही मोटे बेल्ट के पट्टे से मारते थे, यही नहीं जेल में मुझे पुलिस के लोग भद्दी गालियां देते थे, दिन रात उल्टा लटका के मारते थे। साध्वी ने भोपाल से कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह का नाम लिए बिना उन पर हमला बोला। उन्होंने कहा, ये लोग दूसरे की पत्नी को छीन लेते हैं क्योंकि उस पर दिल आ गया है, उसका तलाक करवाते हैं। वो तो कपड़ों पे भी बिक जाते हैं। इन विधर्मियों को क्या मालूम, दूसरों की पत्नी को छीन लेते हैं क्योंकि दिल आ गया है। एक उसके पति को बाद में तलाकपति से तलाक दिलवा दिया जाता है। लोकसभा चुनाव में भोपाल लोकसभा सीट पर दिग्विजय और साध्वी प्रज्ञा आमने सामने हैं। यह मुकाबला बेहद रोचक हो गया है। एक तरफ कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह सभी मंदिरों में मत्था टेक कर हिंदू वोट काटने की भरपूर प्रयास कर रहे हैं, वहीं बीजेपी ने भी मुकाबले में साध्वी प्रज्ञा को मैदान में उतारकर दिग्विजय के मंसूबों पर कहीं ना कहीं पानी फेर दिया है। साध्वी प्रज्ञा की सीधी दुश्मनी दिग्विजय सिंह से बहुत पुरानी है और अब दोनों ही एक दूसरे को टक्कर देने मैदान में हैं। लेकिन प्रज्ञा ठाकुर के भाजपा से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद दिग्विजय ने अब विकास की राह पकड़ ली है। भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह अब कह रहे हैं कि हम विकास के एजेंडे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, हमारा मुद्दा सिर्फ एक है, पिछले 30 साल से बीजेपी का सांसद चुनकर भेज रहे हैं, बीजेपी ने क्या किया हिसाब दें, मोदी सरकार ने पिछले 5 साल में क्या किया हिसाब दें। और हम लोग अच्छी तरीके से चुनाव लड़ेंगे, विकास को लेकर, हमारे घोषणा पत्र को लेकर, हमारी सरकार के द्वारा जो काम शुरू किया उसके ऊपर। हमारा मुद्दा केवल एक है कि पिछले 30 साल से भाजपा का सांसद चुनकर भेज रहे हैं, क्या किया हिसाब दें, मोदी जी ने 5 साल में क्या किया हिसाब दें, हमारा मुद्दा केवल एक है। साध्वी प्रज्ञा के नाम की घोषणा के बाद से कांग्रेस ने हिंदू का मुद्दा छोड़ विकास का मुद्दा पकड़ लिया है। जब कांग्रेस प्रवक्ता शोभा ओझा से चुनावी मुद्दे क्या होंगे पूछा गया तो शोभा ने कहा, साफ है कि चुनाव विकास के मुद्दों पे लड़ेंगे। पिछले 5 सालों में बीजेपी सरकार ने क्या किया, बीजेपी ने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दिया कि नहीं दिया, किसान को लागत से दोगुनी आय हुई कि नहीं, महंगाई कम हुई कि नहीं, महिलाओं को सुरक्षा मिली कि नहीं मिली, 5 साल क्या दिया मोदी जी ने, इसीलिए लोकसभा चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाएगा। देखिए, चुनाव विकास के मुद्दों पर लड़ा जाएगा, चुनाव इन मुद्दों पर लड़ा जाएगा कि पिछले 5 साल में बीजेपी की केंद्र सरकार ने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दिया कि नहीं दिया, किसान को लागत से दुगनी आय हुई कि नहीं हुई, महंगाई कम हुई कि नहीं हुई, महिलाओं को सुरक्षा मिली कि नहीं मिली, और पिछले 5 साल मोदी जी ने इस देश को क्या दिया। लोकसभा के चुनाव हैं और ये चुनाव मुद्दों पे लड़े जाएंगे। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। माननीय श्री ठग मास्टर को समर्पित हमाओ ये गीत। काले धन के 15 लाख खातों में ना आई रा, झूठी हो गई तुम्हारी बात, घर का फिर है बेरोजगार, जुमलों से हाकी सरकार, कटो तुमने बंटा धार, अरे लबरा हो बातें बनाओ ना, ठग मास्टर देश बेच खाओ ना, ठग मास्टर देश बेच खाओ ना। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। लोगन के रोजगार नाम के नहीं, ऐसन ठग मास्टर कौनो काम के नहीं, वादा आपन तू पूर काहे नहीं कीने, साफ देश बाकेर तू घूर काहे नहीं कीने, ठग मास्टर ओ ठग मास्टर तू ठग मास्टर। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विदिशा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमाकांत भार्गव ने सलकनपुर माता मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर अपने चुनाव अभियान को शुरू किया। अब तक विदिशा से बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज चुनाव लड़ती आ रही थी। पहले अटल बिहारी वाजपेयी, फिर शिवराज सिंह और उनके बाद सुषमा स्वराज विदिशा से चुनाव जीतते रहे हैं। विदिशा संसदीय क्षेत्र बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस बार बीजेपी ने रमाकांत भार्गव पर दांव खेला है और वो शिवराज सिंह के खेमे के माने जाते हैं। अपना चुनाव अभियान शुरू करने से पहले रमाकांत भार्गव सलकनपुर माता मंदिर पहुंचे। भार्गव ने माता विजया सेन की आराधना के साथ अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रमाकांत भार्गव का शाहगंज एवं सलकनपुर में जोरदार स्वागत किया। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को आभार व्यक्त करूंगा, हमारे प्रदेश के नेतृत्व को आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, विदिशा संसदीय क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ से भारतीय जनता पार्टी के पुरुष माननीय अटल जी चुने गए हैं। दीदी सुषमा स्वराज जी यहाँ से दो बार सांसद रहे, अभी भी सांसद हैं, और मध्य प्रदेश के जननायक माननीय शिवराज जी पांच बार से यहाँ सांसद रहे। मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता के लिए यह सौभाग्य की बात है कि मुझे विदिशा का नेतृत्व करने का मौका मिल रहा है। निश्चित तौर पर जनता का आशीर्वाद और स्नेह से, कार्यकर्ताओं के सहयोग से हम पुनः विजय प्राप्त करेंगे। जबलपुर में मदन महल पहाड़ी से विस्थापित किए गए 2500 से ज्यादा लोगों ने 29 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। यह लोग सरकारी नाफरमानी का शिकार हैं और जबलपुर प्रशासन इनकी तकलीफों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। महीने पहले हाई कोर्ट के आदेश पर जबलपुर प्रशासन ने गढ़ा मदन महल की पहाड़ियों में घर बनाकर रह रहे सैकड़ों परिवारों को पर्यावरण और अतिक्रमण का हवाला दे यहां से बेदखल कर दिया था। तब से विस्थापित तिलहरी में खुले आसमान के नीचे पंडाल में रहने को मजबूर हैं। पीड़ित विस्थापितों का आरोप है कि शासन ने कोर्ट के आदेश पर उनके घरों को तोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद उनकी कोई सुद नहीं ली। मूलभूत सुविधाओं को तरसने वाले इन लोगों ने मतदान के बहिष्कार का फैसला किया है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है भैया, रोड पे बच्चों को लेकर बैठे हैं, राशन पानी खाने पीने का सब में पानी भर गया है, टपरिये गिर गए हैं, किसी को वोट नहीं देंगे जब तक व्यवस्था नहीं होगी। गिर रहा है भर भरा बता, कोई नहीं आया है। एक जन आई थी तो बोल रही थी हमें वोट देना, काहे के वोट दे हम किसी को। परेशानी बेटा आ रही थे, वोटन दो क्या वोटन दे, हम लोग की जब तक समस्या हल नहीं हो रही है। कम से कम 2500 जनता है, 2500 जनता में वोट दे, वोट दे, हम कौन के, हम कोई के वोट नहीं देंगे। विवेक तनखा का के है भगवान वकील यार, वो 5 लाख रुपए पहले खा चुको है हमारी झुग्गी झोपड़ी से। अब इन्हें शंकर ने और रवि अभी हमने पूरी जनता से खट्टो करोड़ रुपया। शासन प्रशासन ने ऐसा फेंका है कि उसकी कोई चिंता नहीं है, और जब से भरद्वाज कलेक्टर ने तब आके बसाया है, जब से वो पलट के नहीं देखी कि इधर पे आदमी मर रहा है कि जी रहे कि क्या कर रहे, क्या नहीं हो रहा, कि भूखे प्यासे मर रहे, क्या क्या नहीं, तड़ी बड़ी हो रही है। और शासन प्रशासन हमारा यही कहना है कि अगर वोट मांगने अगर आते हैं तो पहले मेरा मकान बना के दे, नहीं तो वोट कोई तक नहीं डालेंगे तिलहरी की। ये हजारों लोग न सिर्फ बेघर हो गए हैं बल्कि नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। हालात ये हैं कि ये भरी गर्मी में पानी, बिजली, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं। आलम यह है कि बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। ऐसे में इन पीड़ित विस्थापितों ने विरोध का नया तरीका अख्तियार करते हुए मतदान का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। दतिया में हुई बेमौसम बारिश से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। पूर्व मंत्री और विधायक नरोत्तम मिश्रा ने पीड़ित किसानों से मुलाकात की और उनके नुकसान का जायजा लिया। मिश्रा ने कहा, सरकार इस विपदा की घड़ी में किसानों का साथ नहीं दे रही है। दतिया जिले में 2 दिनों में हुई बारिश से फसलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। किसानों के इस नुकसान को देखने और किसानों को ढांढस बंधाने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा गांव व खेतों पर पहुंचे। किसानों ने फसल आंकलन के लिए जिला प्रशासन की टीम न पहुंचने की शिकायत भी मिश्रा से की। मिश्रा ने कहा, सरकार को किसानों की चिंता नहीं है, गेहूँ के अंदर कमी न निकाली जाए, चूँकि जहाँ पानी गेहूँ से लग जाता है खड़ी फसल में, वह उसका रंग बदल जाता है।
आप और सितम देखिए कि मुख्यमंत्री ने स्वयं ने स्वीकार किया है कि हमने 15 लाख मैट्रिक टन गेहूँ इस बार 15,38,000 कुंटल खरीदा है, जबकि पिछले साल जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 32,16 मैट्रिक टन गेहूँ मध्य प्रदेश के अंदर सरकार ने खरीदा था। मतलब आधे से कम गेहूँ इस बार किसान का खरीदा है। फसल इस बार अच्छी आई, मौसम की मार से किसान प्रभावित हुआ है। कांग्रेस की सरकार को चिंता नहीं। पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किसानों की फसलों का आंकलन कर मुआवजे देने की मांग की है और मुख्यमंत्री कमलनाथ पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने प्रदेश में पीड़ित किसी भी व्यक्ति की सुध नहीं है, वे उद्योग चलाने में लगे हैं। प्रदेश में आपदा से एक दर्जन से ज्यादा किसानों की मौत हो गई और वह अपने हाउस में बैठ कर मजे ले रहे हैं। एमपी के पर्यटन मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल ने कहा इस लोकसभा चुनाव में मोदी लहर नहीं है। उन्होंने कहा दिग्विजय सिंह की उम्मीदवारी से कांग्रेस में उत्साह है और भोपाल सीट कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस की बॉर्डरवार बैठक लेने सीहोर पहुंचे पर्यटन और नर्मदा घाटी विकास मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल ने कहा देश और प्रदेश में कोई मोदी लहर नहीं, दिग्विजय सिंह की उम्मीदवारी से कांग्रेसियों में उत्साह है। बघेल बीजेपी प्रत्याशी प्रज्ञा भारती को लेकर बोलने से बचते दिखे। उन्होंने कहा भोपाल लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह के पक्ष में जबरदस्त माहौल है। कांग्रेसियों की वार्डरवार बैठक में बघेल ने कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी और उन्हें बूथ प्रबंधन को लेकर निर्देश दिए। सुरेंद्र सिंह बघेल ने कहा कि देश और प्रदेश में कोई मोदी लहर नहीं है। जिस तरह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुरुआती माह में प्रभावी काम किया उसे प्रदेश की जनता ने सराहा है। दिग्विजय सिंह की उम्मीदवारी के बाद लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। माननीय श्री ठग मास्टर को समर्पित हमाओ ये गीत। काले धन के 15 लाख हाथों में ना आई रा, झूठी हो गई तुमरी बात। घर का फिर है बेरोजगार, जुमलो से हाँ की सरकार, बताओ तुमने बंटा धार। अरे लबरा हो बात बनाओ ना, ठग मास्टर देश बेच खाओ ना, ठग मास्टर देश बेच खाओ ना। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। लोगन के रोजगार नाम के नहीं, ऐसन ठग मास्टर कौनो काम के नहीं। वादा आपन तू पूर काहे नहीं कीने, साफ देश बाकेर तू घूर काहे नहीं कीने। ठग मास्टर ओ ठग मास्टर, ठग मास्टर तू ठग मास्टर। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जबलपुर पुलिस ने अवैध हथियारों के सौदागरों को पकड़कर उनके पास से पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं। ये लोग ग्वालियर से हथियार खरीदकर जबलपुर के गुंडों को बेचते थे। जबलपुर में अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त का कारोबार नया नहीं है। पुलिस ने ऐसे ही अवैध हथियारों को बेचने की फिराक में खड़े 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 3 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। ओवलेश कोरी, शंभू ठाकुर, आशीष पटेल और नरबर डेले नामक चारों आरोपी मूलतः जबलपुर के हैं। आरोपी ग्वालियर के इन हथियारों को खरीद कर जबलपुर में बेचने का काम करते हैं। क्राइम ब्रांच और कैंट पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को पकड़ा है। उनसे हमको अवैध हथियार बरामद हुए हैं। इसमें इनके द्वारा ये ग्वालियर तरफ से लाना बताया गया है। अभी इसमें और 1-2 लोगों की तलाश है और जब वो पकड़े जाएंगे तो उसके बाद संभवतः और हथियार बरामद होंगे। ये चारों के चारों पुराने रिकॉर्डेड क्रिमिनल्स हैं। इन पे हत्या का प्रयास, जुआ और लूट और इस तरह के अपराध पंजीबद्ध हैं और इन पे आगे जो वैधानिक कार्रवाई होती है वो की जा रही है।
ये लोग ग्वालियर से एक देसी पिस्टल 20,000 में और एक देसी कट्टा 5,000 रुपए में खरीद कर जबलपुर में मुमांगे दामों में बेच दिया करते थे। पुलिस का कहना है कि चारों आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और शहर के विभिन्न थानों में इन पर अपराध पंजीबद्ध हैं। चारों आरोपी दिखावे के लिए रेत का व्यवसाय भी करते हैं। हजरत पीर सैयद जलालुद्दीन अल्लाह दरगाह शरीफ वन ट्री हिल्स पर 3 दिवसीय सालाना उर्स शुरू हुआ है। इससे पहले बाबा साहेब को चादर चढ़ाने के लिए एक जुलूस निकाला गया। संत नगर के बाबा को चादर चढ़ाने के लिए जुलूस निकाला गया। जुलूस का जगह जगह स्वागत किया गया। इसके बाद टेकरी दरगाह पर चादर चढ़ाई गई। इसके बाद 3 दिवसीय उर्स का शुभारम्भ हुआ। उर्स में कोटा सीहोर मेरठ के कव्वालों ने कव्वाली पेश की। पूरा देश आज हनुमान जयंती बड़े ही धूमधाम से मना रहा है। कहीं रामायण पाठ हो रहा है तो कहीं सुंदरकांड हो रहा है। मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। हनुमान जयंती पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गाडरवारा नगर में हनुमान जयंती के अवसर पर आकर्षक विशाल एवं भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। स्थानीय लोगों ने जमकर हिस्सा लिया। एक तरफ अखाड़े में कलाकारों द्वारा विभिन्न प्रदर्शन दिखाए गए। रथ में बैठकर शोभा यात्रा के जरिए सामाजिक एकता बनाए रखने का संदेश दिया गया। कई विभिन्न झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रही। इस अवसर पर जुलूस का जगह जगह स्वागत किया गया। एक यह शोभा यात्रा नगर के विभिन्न मुख्य मार्गों से होकर निकाली गई। ही आप देखते रहिए दखल न्यूज़। दखल आपके हक में। जर्जर भोपाली अब आपको सुनाएंगे भैरन समाचार। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। तो कल्याण भाई, दूसरे चरण का है ना मतदान खत्म हो गया बता रहे हूँ। उसके बाद तो ये खबरें आ रही है नोटेदार। और देखो ये कल है भाजपा के नरसिम्हा राव जी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो वहाँ पे किसी ने जूता लपक के फेंक दिया इनके ऊपर। बता रहे कोई भार्गव है। वो मैं बता रही हूँ ये कौन सी खुन्नस निकालते रहते हैं लोग। चुनाव का टाइम ही निकालते हैं सब खुन्नस। और जूता तो मैं कह रहा हूँ ये लोकतंत्र का है पांचवा स्तंभ बनता जा रही है। तो पहले बुश के ऊपर फेंका था जूता। ये जूता और जूते वाली कंपनियों वाले आए थे मेरे पास कल। और वो कह रहे थे कि भैया हमारी कंपनी का जूता फेंकवाओ, उससे प्रचार भी होगा। ऐसा तो चल रहा है। और यह खबर और देख लो अभी लेटेस्ट, ये हार्दिक पटेल हैं जो इनके है ना कांग्रेस में शामिल हो गए। ये इनके ये मंच पर भाषण दे रहे थे, ये कहा है उनने रपट्टा सूद दिया इनके। हाँ बता। मैं मुझे लगा ये कांग्रेस के पंजे का प्रचार कर रही है। और बाद में पता लगा वो तो क्या है कि पार्टी द्वारा आंदोलन से है बहुत खफा था, बहुत उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ था। बोले इतने लोगों को मरवा दिया। बताइए ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है। चुनाव में डाय जूता फेंक और रपट्टे पट्टे खूब चलते हैं। और यह खबर और सुन लो, आज की ऐसी खबरें आ रही हैं। ये जो कांग्रेस की प्रियंका चतुर्वेदी जी हैं, इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ये आगरा में इनके साथ कोई अभद्र व्यवहार कर दिया उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं ने, है ना। और उनके खिलाफ जो कार्यवाही करी थी वो निरस्त कर दी पार्टी ने। अब ये जो धन मन धन से लगा हुआ है, ये पार्टी की सेवा कर दी है, उसको कैसा लगेगा बताओ आप। ये उसके साथ ये सब व्यवहार होगा तो ये हर्ट तो होगा ना इसको। हाँ, ये तो खबरें आ रही है। महिलाओं का सम्मान करो मैं कह रहा हूँ, तभी अरे उद्धार होगा। और ये खबर और देखो, बंगाल में, बंगाल के जो वो हैं सोमेन मित्रा, बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इन्होंने बोल दिया है कि ममता बनर्जी से है ना कोई गठबंधन नहीं होगा, ना चुनाव के बाद होगा ना पीएलए होगा। इनकी सरकार बनी तो हम तो ना तो समर्थन देंगे ना लेंगे। बता रहा हूँ बंगाल में बीजेपी और उनकी तृणमूल की चल रही है या कांग्रेस भी आ गई, तीनों अलग अलग लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। बहुत कठिन पड़ने वाला है ममता बनर्जी को बंगाल में, बता रही हूँ। और बता रहे हो चुनाव लड़ाई में नेता ऐसे इमोशनल होने लगते हैं, बता रही। और भैया कल ये खबर और सुन लो, ये प्रज्ञा भारती जो है भोपाल की प्रत्याशी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमोशनल हो गई है ऊपर अपनी पुरानी यातनाओं को याद करते हुए। और बता रहे हूँ, लेकिन मैं दूसरी बात बता रही हूँ, ये चुनाव टाइम पे है ना नेता लोग ऐसे इमोशनल होती हैं, आंसू बहाती हैं बहुत ज़्यादा। ये कई तो है ना गिले से लग के ले जाते हैं।
और फिर यार गरीबों के सामने जाएंगे वही है वही ऐसे रोएंगे भी। और मुझे असली कारण ये है कि उनको लगता है कि उनको कहते हैं भैया हमें जिता देना नहीं तो हमारी भी तू अपने यदि हालत कर दे चुनाव के बाद ये हम भी यही यहाँ रहना पड़े ये सब हो रहा है। और मैं भी वही अब क्या है मैं भी बहुत ज़्यादा ऐसी ऐसी खबरें सुन के बहुत इमोशनल हो रही हूँ और जा रही हूँ। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।